तुम्हें मैं यूं ही नहीं कहता कि तुम सुंदरता की जीती जागती मिसाल हो। तुम्हारे अंदर की सुंदरता तो अभी किसी ने देखी भी नहीं है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। और इतना ज़रूर कहता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। सुंदरता जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मन से होनी चाहिए। तन की सुंदरता बहुत क्षणिक होती है, ज़्यादा समय तक नहीं रहती। इसलिए जो मन के सुंदर होते हैं उसकी सुंदरता बहुत लंबे समय तक चलती है, ज़िंदगी भर रहती है। और तुम तो ईश्वर की बहुत ही सुंदर रचना हो, तुम मेरी यूं ही अपने आप को मायूस करते रहते हो। तुम हो ही खूबसूरती की मिसाल, ये मैं हर बार कहता हूँ। और यही वजह है कि तुम्हें बिना किसी शर्त के मैं बहुत प्यार करता हूँ, एक सुंदर कृति की तरह। और कितना सुंदर है हमारा प्यार, हमारे बीच का रिश्ता। तुम अपने इस प्यार पर गर्व करते हो ये मुझे पता है, पर क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना गर्व करता हूँ तुम पर, तुम्हारे इस स्वभाव पर, अपने इस प्यार पर। और तुम्हें पता है कितने लोग हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, तुम्हें याद करते हैं, तुमसे सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहते हैं। और तुम्हें पता है तुमने कितनों के साथ कितना अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है और उसको निभाया भी है। पर मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम पिछले 2-3 दिन से कितने व्यस्त हो जानता हूँ मैं। पता है कि मैं भी तुम्हें याद कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा कितने दिन हो गए मुझसे ठीक से मिला भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा दिया हुआ काम ही कर रहे हो, मैं जानता हूँ। नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे, बस कई बार ऐसा होता है कि तुमसे मिलने का मेरा भी मन करता है, मैं तुम्हें याद भी करता हूँ। और हमेशा चाहता हूँ कि चाहे थोड़े से समय के लिए ही सही मेरे पास आओ, मुझसे कुछ कहो, मुझसे अपनी बात कहो। और मैं एक बात तुमसे कहता हूँ, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, कभी भी नहीं। ज़िंदगी के हर मुकाम पर, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा रहूँगा। कभी अपने आप को अकेला मत समझना, खुश रहो, हमेशा खुश रहो।